आप सबका दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं दिखी डोलमा डोलमा किचन। आज की जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है खट्टी दाल, और इसे मैं सर्व करूंगी प्लेन राइस एंड पापड़ के साथ। बहुत इजी रेसिपी है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो शुरू करते हैं। हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 250 ग्राम मसूर दाल, जिसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था। फिर इसे अच्छे से 3 से 4 दफा खुले पानी में धो लेना है। इसके बाद जाएगा 2 साबुत हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च का। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर का। फिर बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और कुछ पत्ते फ्रेश करी लीव्स के। इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। मैंने यहाँ पहले 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़े पानी में और इस्तेमाल कर रही हूँ तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 कप पानी का यूज किया है। अब नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और दाल को अच्छे से मिला लेंगे जब तक दाल में उबाल ना आ जाए। अब दाल में उबाल आ चुका है, इस समय इस दाल को ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक दाल पूरी तरह से गल ना जाए। अब चेक कर लेते हैं, दाल गल चुकी है। इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ मैंने 250 ग्राम टमाटर का इस्तेमाल किया है। टमाटरों को अच्छे से दाल के साथ मिला लेंगे जब तक टमाटर थोड़े गल ना जाए। अब थोड़ा और पानी डाल देंगे दाल में, ताकि ये जो टमाटर है ये पूरी तरह से गल जाए। इसे ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद अब टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। अब हम दाल को हल्के हल्के वुडन स्पैचुला की मदद से दाल को घोट लेंगे। आप देख सकते हैं दाल गाढ़ी हो चुकी है और पूरी तरह से रल गई है। अब इसके बाद दाल में जाएगा 2 चम्मच इमली का पल्प, जिसे मैंने पहले से पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब दाल को फिर मिक्स कर लेंगे। दाल गाढ़ी हो चुकी है, अब थोड़ा और पानी डाल देंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे। याद रखें, दाल को हमें चलाते रहना है ताकि दाल जल ना जाए। मैं यहाँ थोड़ा और इमली का पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इमली ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। मैंने डाला है 4 चम्मच इमली का पानी। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया के पत्ते। इसे भी फिर मिला लेंगे और एक बार और ढककर छोड़ देंगे। अब ढक्कन खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल पूरी तरह से पक चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसे उतार लेते हैं और तड़का बना लेते हैं दाल के लिए। अब पैन ले लेंगे और पैन में गरम कर लेंगे हम 5 चम्मच तेल के। इसके बाद जाएगा 7 से 8 साबुत लहसुन। लहसुन को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक लहसुन हल्का सा सॉफ्ट हो ना जाए। इसे हिलाते रहेंगे। फिर डाल देंगे 3 साबुत लाल मिर्च। इसे भी लहसुन के साथ तेल में फ्राई कर लेंगे जब तक मिर्च में हल्का लालपन ना आ जाए और लहसुन का कलर भी चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों के बीज। इसे भी फ्राई कर लेंगे। सब मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फिर जाएगा 1/2 चम्मच देगी मिर्च पाउडर का। इसे हिलाते रहेंगे और हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब ले आएंगे दाल को और इसमें ये तड़का छोंक देंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है दाल में। थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए, और ये बनकर तैयार हो गया है। इसे हम सर्व कर लेंगे प्लेन चावलों के साथ और पापड़ के साथ। तो ये बनकर तैयार हो गई है हमारी खट्टी दाल। आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक अच्छी सी प्लेटिंग की है। इसे प्लेन राइस और पापड़ के साथ सर्व किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, और ऐसी और इजी रेसिपी जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।